मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल और स्कूल जाऊंगी और आज मैं सही से स्कूल से जल्दी वापस आऊंगी क्योंकि आज मेरी शादी में जाना है। मेरी मतलब मेरे घर पे ही शादी है इसलिए मैं अकेले स्कूल जा रही हूँ और कोई जा भी नहीं रहा है मेरे घर में बच्चे के अलावा। ओके और देखो ये चाय इतनी देर में कह रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। ओके तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, मैं लंच में ही आ गई थी और मुझे बाल धोने हैं क्योंकि मैं फोल्ड छोटी करके गई थी तो मैं जल्दी से जल्दी 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 बाल धोंगी। मतलब मुझे बाल धोना हमेशा ठंडे पानी से ही बेटर लगता है क्योंकि ठंडे पानी से मतलब अच्छा लगता है क्योंकि गर्म पानी से कभी बाल धोने भी नहीं चाहिए। ठीक है तो अब मैं धोई हूँ बाल और देखो मेरे बाल फ्रोजी फ्रोजी हो गया और मैंने सुखा भी लिए हैं तो अभी मैं अपने बालों में नकली बाल भी लगाऊंगी कलर वाले। चलो मैं मम्मी का सामान निकाल ली थी, मम्मा क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी। अब तक मम्मी निकेट लगा रही हैं, वहाँ आंच पड़ रही है और मैं मेकअप का सामान कर रही हूँ, कितने ब्रश हैं कितने धोने हैं और क्या करना है। ठीक है तो मैं सारे ब्रश निकाल ले रही हूँ धोने के लिए। तो भाई आप ब्रश धोते हो या आपने या नहीं या फिर ऐसे यूज कर दो। मैं एक बार ऐसे हो चुका है ना मेरे संग इसलिए मैं हमेशा धोती हूँ कहीं जाने से पहले। उसके लिए मैंने ले लिया डिटर्जेंट पाउडर जो कि मैं अपने लोकल डिब्बे में ही रखती हूँ क्योंकि मैं पैकेट में इसलिए नहीं रखती, दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पुट आउट ऑन द बाउल। ओके मैंने थोड़ा सा डाल दिया है उसमें। ओके तो अब मैं सारे जितने भी ब्रश डाल दूंगी, मैं मतलब ऐसे शेप की तरह काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारे एक एक करके ब्रश डाल दिए, मैंने ब्रश ऐसे खोल भी देखा कि वो ही धोने वाला है। आपने देखा होगा कि जो पम्प पम्प होते हैं उसमें जब कॉम्पैक्ट ब्रश भर जाता है ना तो जो हम उसको धोते हैं इतना फ्लफी फ्लफी हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है हम नए लेके आए हैं। भाई मुझे वो इतना महंगा पड़ा था ना, वो ब्लेंडर इतना महंगा पड़ा था, सोचो तो 50 रुपये का एक पड़ा था, मैं 20-20 के लाती थी। मैंने आईब्रो वाला गलती से डाल दिया इसलिए मैंने उसको बाहर निकाला और मैंने आई मेकअप ब्रश ब्लश ब्रश सब मैंने डाल दिए। तो मुझे पता मरमेड वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छे लग रहे थे पर उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी बेकार लग रही थी, मैंने छोड़ो ले लिया क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने आई ब्लेंडर भी डाल दिया उसके अंदर। अब उसको मैं 2-3 मिनट छोड़ दूंगी, उसके बाद बाजू ऊपर कर लेंगे हम और थोड़े बढ़ जाएंगे अपने क्या कहते हैं उसको ब्लेंडर में जो होता है वो सूखने में कैपेसिटी बहुत कम होती है तो उसको सूखने में मैंने धूप में रख दी थी, धूप में रख देती हूँ मैं। मैंने इसको बना निचोड़ निचोड़ के धोया है, बड़ा निचोड़ निचोड़। सच बताऊँ आज की शादी में जाने का मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, मेरे मुँह से देख के पता लगा सकते हो क्योंकि यार मेरा कल की स्कूल की छुट्टी मुझे पता था होनी ही होनी है। मैं 3:45 बजे आई थी सच बताऊँ तो, अब मेरा मतलब धुल गया था ना थोड़ी खुशी, पर मेरा आई मेकअप का जो था तो फ्लफी नहीं हो रहा था पता नहीं क्यों। अभी तो उसमें इतना था मैं निचोड़े में घुसा रहा था, मैं जाऊँ क्यों पर जाना पड़ा, मेरे आधा स्कूल की छुट्टी भी हुई थी। चलो सारे बस जोड़ दिए मैंने, अब उसको मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ कि सही रहेगा ये या नहीं। अब ये सही है, अब मैं इसको जाऊँगी सुखाने, सारे बस को चेक करना पड़ेगा वरना एक भी रह गया तो। मैंने तौलिया ली, उसमें जितना भी टेस्ट था वो निकाला और मैंने ब्लेंडर करने की कोशिश, मतलब ब्लेंड कर जैसे होता नहीं है जैसे हम करते हैं ब्लेंड वैसे करने की कोशिश की थी। चलो वो तो कर लिया मैंने और मैंने वो जो टॉवल होती है उससे भी अच्छी तरीके से पोंछ ली। चलो कर लो। सच बताऊँ मुझे मेकअप करना पर्सनली बहुत पसंद है, पर्सनली आपको अच्छा लगता है नहीं जो भी है मुझे तो भाई लगता ही है, मैं हुई ऐसी, मुझे ऐसे ही लगता है बस, मुझे कहीं पर भी स्वैग दिखाने वाला मिल जाए। ओके तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं हो जा रही हूँ तैयार। तो मैं ये पहन रही हूँ, मैं दिवाली वाला कोट, दिवाली वाली ड्रेस पहन रही हूँ मैं और ये ड्रेस मुझे अच्छी लग रही थी आज इसलिए पहनने की सोचा क्योंकि मैं नकली बाल लगा रही थी रंग वाले। अगर मैं ये ऐसे करके स्कूल में चली जाऊँ ना आई डोंट हैव एंट्री इन माई स्कूल। ओके जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई, इधर मम्मा भी रेडी हो रही थी, मेरी बहन हेयर स्टाइल बनवा रही थी, मेरी वो जो पार्लर जाती हैं इसलिए उनने पार्लर सीखा हुआ है इसलिए समझ लो एक पार्लर वाली दीदी ही उसकी हेयर स्टाइल बना रही थी।
और इसके ऊपर ये जो मैं टॉपिक की बात कर रही थी, आपने मेरे दिवाली ब्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज चेक आउट ऑफ माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मुझे सच्ची में बता, डांस करने का भी बहुत मन कर रहा था, आई डिडंट हैव अ डांस। ओके, नाउ मैं मम्मी के संग मेकअप करने में लग गई थी, पता है इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट थे, मेरी तो जान ही अटकी जा रही थी यार, इतना ज्यादा लगाया जा रही था, 1000 का एक कॉम्पैक्ट। मैंने अपना मेकअप कर लिया है और मेरी बहन भी रेडी हो गई है, मेरा भाई चाची सब रेडी हो रहे हैं, फिर हम दोनों अभी भी रेडी, मैं नहीं रेडी, से बच गया रेडी हुई है अभी तक और कोई रेडी नहीं हुआ है। तो अब देखो मेरा मेकअप तो भाई सुपर क्लासी लग रहा है, गया इतने महंगे मेकअप से, इस बार मैंने बहुत महंगा मेकअप किया है। सो ओके, मैं फुल एंड रेडी हूँ, मैंने नकली वाले लगा लिए हैं एंड ये भी अंश का फुल एंड रेडी, और हम दोनों जाएंगे, उसकी हेयर स्टाइल बहुत मस्त लग रही थी सच बताऊँ। मैंने तो बाल खुले रखे थे, सिंपल रखे थे, और मैंने नकली लेस भी लगा ली थी, उसमें पेंट करना बाकी था, उसमें नेल पॉलिश लगाना बाकी थी, और मैं स्किन कलर की नेल पॉलिश लगाई थी, शायद ही मैंने दिखाई होगी। तो अब मैं निकल ले रही हूँ, अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैंने नीचे हील पहनी थी, पता है शादी में हील से हालत खराब हो गई थी मेरी। यहाँ पे मेरी अम्मा चाची मम्मी चाचा अम्मा पापा सब है यहाँ, और यहाँ पर मैं हूँ, मैं पता अब मैं निकलना है, बस मैं बस गली में ही हूँ, और ये नहीं अंशिका, ये मैं अंधेरा। चलो यार, मैं देख रही थी मेरा मेकअप तो खराब नहीं हुआ, ये नहीं मेरी मम्मी कैसी लग रही है, कमेंट डाउन में, और ये पागल चुड़ैला। ओके, हम मैं तो गई थी एक्ट्रेस, क्योंकि भाई मैं हील पहनी थी और यहाँ की सड़कों पे चलना है वो भी हीलों में इज वेरी डिफिकल्ट टू मी। सो मैं जल्दी से निकल गई थी एक्टिवा पर, और मैं तो चाचू के संग निकली थी, अंशिका भी थी, ओनली मैं, मेरी बहन भी थी। आप इस जगह को जानते हो या नहीं, शायद ही जानते हो, क्योंकि ये आगरा के। तो फिर मैं गाड़ी में बैठ गई थी और मैं पहुंच गई आगरा, मैं निकल चुकी थी एक्चुअली, अब मैं फाइनली आगरा पहुंच चुकी। भाई आगरा में बहुत चेंजेस हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं 20 देश के, इसलिए तो भाई देखना तो बनता ही है आगरा हुआ है। सच में इतनी शॉक्ड हो गई इस समय, इतनी शॉक्ड हो गई इस आगरा को देखकर, मतलब इतनी सफाई आगरा में, मैं शॉक्ड थी यार, इतनी ज़्यादा सफाई थी भाई, मतलब पोछा लग रहा था सड़कों में, भाई साहब क्या है ये, सच बताऊँ यार इतनी कूल कूल पेंटिंग्स बन रही थी पिलर्स पे यार, सच बताऊँ ये मेट्रो रोड है, बस जल्दी से यार हो जाए भाई, मैं तो गाड़ी छोड़ दूँ, मुझे यार इतना लग नहीं रहा, लग रहा था मैं नोएडा ऐसी कुछ जगह, नहीं कनाडा नहीं, क्या कहते हैं उसको, नोएडा, ये कलरफुल ट्री, भाई ये पेंटिंग तो भाई ऑसम थी, इतनी सफाई देख के पता है मैं तो चक बगल आ गई, और अंधेरा विशाल मेगा मार्ट वहाँ देखो, हर जगह 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 इतनी सफाई यार, सीरियसली। ओके, जो भी है, मैं शादी में जा रही हूँ, तो हम शादी में पहुँच चुके हैं, पता है इतनी ढलान भाई कौन रखता है शादी में। जो भी, मैं शादी में हूँ, यहाँ पे मुझे सब रिश्तेदार मिल चुके हैं, बस मेरी बहन के अलावा। आइसक्रीम खाई हमने, आइसक्रीम खाई थी मैंने, बहुत टेस्टी थी सच बता रही हूँ। हम सब मस्ती कर रहे थे एक्चुअली, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी, इप्सिता हमें वहीं, इप्सिता कॉटन कैंडी खाई फिर हमने, मेरी कॉटन कैंडी तो छतुच है, और फिर मैंने मैगी मसाला और टमाटो के मिक्स पॉपकॉर्न खाया, फिर खाना खाया, पर सच बताऊँ बहुत टेस्टी खाया हमने खाना, पास्ता भी था, और मैं तो निकल आई शादी से यार, पता है मैं रात के 1 बजे यहाँ से निकली थी, तो मैं 2 बजे तो ऑलरेडी पहुँचूंगी ना, तो भाई रात में तो देखने का मजा ही अलग था आगरा का यार, भाई सुपर कूल पेंटिंग, मैं तो अभी भी शॉक्ड थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आगरा में, आई डोंट नो फील लाइक, 1 बज रहा है देख सकते हो, और अब मैं